आप सभी का स्वागत है कुलदीप कौर की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं एलोवेरा के पकौड़े और ये खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए हम एलोवेरा लेंगे। ये हमने एलोवेरा धो करके साफ कर लिया है और इसकी साइड से किनारी काट देंगे और हम दूसरी तरफ की किनारी काटेंगे और दोनों तरफ की किनारी हटाने के बाद इसका ऊपर का छिलका हटा देंगे और ऊपर का छिलका हटाने के बाद एक चम्मच लेंगे और एलोवेरा का पल्प निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से पल्प निकाल लिया है। अब दूसरा एलोवेरा लेंगे, अब इसकी भी साइड काटेंगे और पल्प निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने दूसरे का भी अच्छी तरीके से पल्प निकाल लिया है और इसी तरीके से हम सारे एलोवेरा का पल्प निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने एक कप एलोवेरा का पल्प लिया है और एक जार लेंगे और इसमें इसे डाल लेंगे। अब एलोवेरा डालने के बाद इस जार का ढक्कन लगाएंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, इसमें डाल लेंगे एक कप सोयाबीन की बड़ी लेंगे और इन्हें पीस करके डाल लेंगे और इसे चला करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद इसे आधा घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हमारी बड़ी ने अच्छे से रेस्ट ले लिया है, अब इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कसे हुए आलू डालेंगे और थोड़ा सा कचा हुआ घी डालेंगे और घी डालने के बाद इसमें हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ कड़ी पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा कचा हुआ अदरक डालेंगे और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच जीरा डालेंगे और एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और चटपटा करने के लिए हम इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चम्मच कुटी हुई सौंफ डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 4 से 5 चम्मच बेसन डालेंगे और चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे और चम्मच को हटा करके हाथ से अब बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने पकौड़ी का अच्छे से बैटर बना लिया है, अब इसकी पकौड़ी बनाएंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है, अब एक एक करके इसमें पकौड़ी डाल लेंगे। और सारी पकौड़ी डालने के बाद इन्हें एक तरफ को अच्छे से सेक लेंगे और एक तरफ सेकने के बाद इन्हें दूसरी तरफ को पलट के सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी पकौड़ी अच्छे से सिक गई हैं और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारी पकौड़ी सेक लेंगे। और ये खाने बहुत हेल्दी होती हैं और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।